स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता का बजट में। दरअसल स्वराज की सोच को लागू करते हुए आम आदमी पार्टी मोहल्लों तक जा रही है ताकि मोहल्ले बताएं कि सरकार के बजट का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। इस समय हम खड़े हैं शाहदरा विधानसभा, रामनिवास गोयल जहां से विधायक हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और इलाके की जनता हमारे साथ जहां पर मौजूद है। ये झिलमिल वार्ड कहलाता है, संख्या के अगर हिसाब से देखें तो 238 नंबर वार्ड है। इलाके में तरह तरह की समस्याएं हैं, साल की समस्या बहुत बड़ी बताई। जनता का बजट वाली बात जो आपने करी है, ये एक बहुत अच्छा इस नई सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होना चाहिए, लागू हो पाए, बाकी जनता के हाथ में पावर आए, टाइम में शायद उसका वैल्यूएशन अपना तय करेगी। हम लोग कहां कैसे खर्च करना, हमारी पहली नीड क्या है, एसी कमरों में बंद हो गए, बजट तय होता था, लेकिन जनता अपना बजट, इसके लिए हम इस नई सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जनता के बीच में काम नहीं होगा तो झाड़ू भी लेके दौड़ना नहीं, काम तो हमें करना है ना, सरकार को नहीं करना, काम भी हमें देखना है सारा, वो जो है। तो हम लोग बड़े जागरूक लोग हैं, आरडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं इस पहलू को। अंकल, ये सरकारी अस्पताल में आप विश्वास से जा पाते हैं कि यहाँ पर मेरा इलाज अच्छे से होगा, या लगता है कि जरूरत है कि सरकार थोड़ा सा टाइट करे लोगों? बगैर पहचान के कोई काम नहीं होता वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में, किसी की पहचान हो तो काम हो जाता है, वरना काम नहीं होता। लाइनों में दो दो तीन तीन घंटे सारा दिन लग जाता है, काम नहीं होता बिल्कुल भी। इंसान क्या पैसा हो या ना हो, चाहे उधार लेके, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जान बचाने की, प्राइवेट में तो काम होता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में बगैर पहचान के काम नहीं होता। ये अस्पताल तो है, जीटीबी का आपने जिक्र किया है, हेडगवार का अस्पताल का, हाँ हॉस्पिटल तो है, काम भी होगा, लेकिन एक दिन दो दिन तीन दिन खराब हो जाएंगे तो जाके काम होगा, वगैरह ऐसे काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल। अच्छा, अस्पताल के अलावा आपने पानी की समस्या बता दी, अस्पताल की समस्या बता दी, और एक और आपने स्कूल की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो स्कूल की दशा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पैसा आपके हाथ में आ जाए तो सबसे पहले मैं ये काम करवाऊँगा? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे भी हमारे चौहान साहब ने बताया था कि पानी की दिक्कत तो है ही, और हमारे यहाँ नाली खरंजे सीवर को लेकर भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे जो है वो फेलियर ही है लगभग, और हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास मेट्रो स्टेशन जाने के लिए सीधा रास्ता कोई नहीं है, उसके लिए भी हम जो है सर वो रास्ता जो है पब्लिक के लिए वहाँ खुलवाएंगे, और पैसा हमें मिला तो रास्ता हम बनवाएंगे, और डीटीसी बसों का भी यहाँ बहुत अभाव है, डीटीसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यहाँ सरकारी कोई है ही नहीं, कोई डीटीसी बसें जो है कोई सर्विस यहाँ पे रास्ते में दिखी भी नहीं है, बहुत कम दिख रही है, रोड जबकि बड़े बड़े हैं। जी 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 हाँ, बहुत रोड बड़े बड़े हैं, कभी यहाँ पे इतनी हर 15 मिनट की सर्विस रहती है बस की, और यहाँ एक माफिया है, यहाँ पे पूरा जो बसों का माफिया वो उनके पूरा होल्ड है डीटीसी के सिस्टम पर, इसलिए वो बसें चलने नहीं देते, एक घंटे की सर्विस है 340 की, 1.5 घंटे की, और बुजुर्ग और महिलाएं बेचारे वो चढ़ भी नहीं पाते बस में, लटक लटक के जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है, लोगों को छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए भी प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो और विकराल समस्या हो जाती है कि ट्रैफिक जाम होना, पार्किंग की व्यवस्था होना, तो एक चौथी समस्या के तौर प्रायोरिटी हम बाद में करेंगे वोटिंग के तौर पर, लेकिन ये समस्या एक बहुत बड़ी है और हर इंसान कॉमन इंसान। अच्छा, आप झिलमिल का जिक्र कर रहे थे, क्या है यहाँ पे? एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एमसीडी इतना घूस लेके सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन स्लम में बना दिया पूरा इसको, झिलमिल को। आप इस पार्क को देखेंगे, ये पार्क इतना अच्छा है लेकिन कहाँ मेंटेन है, ये देखिए एमसीडी इसमें क्या क्या मेंटेन किया है इसको, पार्क दरवाजे तो बड़े बड़े लगा दिए, थोड़े कैमरे से भी दिखा दे जरा, थोड़े कैमरे से पार्क का थोड़ा दिखा दे। दरवाजे बड़े इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें आराम से उनको पैसा कमाने को मिल जाता है, करप्शन आज 6-7 लाख के दरवाजे बनाते हैं लोग, और इतना एमसीडी करप्शन है यहाँ पे, सब मकान जितने 40 गज 50 गज मकान है सबने 200-300 गज 250 गज कवर एरिया किया हुआ। सेकंड में ये कहना चाहूँ, हमारे यहाँ डीडी फ्लैट एलआईजी सत्य बैंक नाम से कॉलोनी है, वो करीब 20 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन उसकी अभी तक डीडीएन में खुद मैंने कई बार कहा, लेकिन उसके अभी तक वाइट पास डीडीए नहीं करा पाया उसका, जर्जर हालत में उसकी सारी सीढ़ियां टूट गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी अभी तक इन्होंने एक बार भी पेंट नहीं कराया डीडीए ने या एमसीडी ने या कोई। रेलवे अंडर ब्रिज का आप जिक्र कर रहे थे कि झिलमिल मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए, वो समस्या किसके इलाके के आसपास पड़ रही है? झिलमिल की? अच्छा, झिलमिल की है, क्या क्या है प्रॉब्लम? झिलमिल के नीचे से अंडर पास बना हुआ है पहले से ही, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है, पहले बनाया हुआ है, अभी चलता नहीं है, अभी चालू नहीं है, वो बंद पड़ा है, अगर वो बन जाएगा तो काफी इलेक्ट्रिक की कनेक्टिविटी झिलमिल मेट्रो स्टेशन से हो जाएगी, अदरवाइज तो कटा हुआ है। झिलमिल मेट्रो स्टेशन जो है, जो झिलमिल के नाम से है, उसका जाने का यहाँ से कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, उसके लिए हम अंडर पास चाहते हैं वहाँ के लिए। अंडर पास वही है जो अंडर पास दूसरा है, ये अंडर पास इधर का जो मानसरोवर का है, ये जो दिल्ली ये शिला गवर्नमेंट ने बनाया था, इतना उबड़ खाबड़ बनाया कि वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, फुटओवर ब्रिज अलग है, झिलमिल मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी के लिए आप अलग फुटओवर, वो कहाँ बनना है? ये हमारे यहाँ गोविंद खंड से उसका रास्ता बन है आईटीआई के पास से, लेकिन वो कनेक्टिविटी भी बंद है, पहले कई टाइम से हम ये मांग उठाते आ रहे हैं। वो आरयूबी अगर नहीं बना तो फिर मेट्रो स्टेशन का होना या ना होना एक ही बात।
कोई बाधा नहीं है। मेट्रो जब तक अंडर पास नहीं बनेगा जब तक कुछ नहीं होगा। मेट्रो बनने के लिए इधर जो पुल बना है जब तक झिलमिल के लिए सबका लोगों का ये रहेगा सुविधा रहेगा। यहाँ से जाने में हमें मुश्किल होता है यहाँ से जाने में रात। ये कब तक मेट्रो स्टेशन तो अभी एक डेढ़ साल लगेगा। स्टेशन तो 3 साल से बना हुआ है हाँ, लेकिन अंडर पास नहीं है यहाँ से जाने का। अंडर पास हमारे यहाँ जाने का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ झिलमिल उसका नाम झिलमिल मेट्रो स्टेशन है लेकिन झिलमिल के लोग उस पर जा नहीं पाते बिल्कुल। जाने का रास्ता ही नहीं है, रेलवे लाइन है। हमें जाना होगा तो इधर मानसरोवर से घूम के जाना होगा या उधर वेगवार से घूम के जाना होगा। हमने ये कई बार डिमांड रख चुके, संदीप दीक्षित जी सांसद थे तब भी रखी थी, उन्होंने एक बार उद्घाटन भी कर गए लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। तो ये एक आरयूबी की समस्या आ रही है कि यहाँ पर रेलवे अंडरब्रिज होना चाहिए, जैसे रेलवे का ट्रैक ऊपर जा रहा है और नीचे से ट्रैफिक जाए ताकि झिलमिल मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी हो पाए, एक बड़ी समस्या है जिसको। अच्छा ये अच्छा क्या बता रहे, बरसात होती है तो ये जो अंडर पास बने हुए इनमें पानी भर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। निकासी का काम कुछ नहीं है, दोनों का ही ना काम चलाओ काम हुआ ना, बस दिख रहा है कि आरजू भी बना हुआ है बना रहने दे। अंकल ये इलाके में उसकी क्या इतनी अच्छी वो है व्यवस्था, सरकारी स्कूल अच्छे हैं कि प्राइवेट स्कूल का ज्यादा डोनेशन वगैरह? कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई टीचरों में कोई डर खौफ नहीं सरकार का, कोई मतलब फंड वगैरह जितने भी सुविधाएं बच्चों के लिए आती है स्टूडेंट के लिए आती है ना उनको प्रॉपर मुआवजा मिलता है ना उनको स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं मिलती हैं। सब कागजों बिल बना के सब पैसा हड़प कर जाते हैं टीचर वगैरह। कई बार यहाँ कंप्लेंट हुई है, प्रिंसिपल का सस्पेंशन हुआ यहाँ पे, उसके बाद भी कोई असर नहीं। और बच्चों से खुद झाड़ू लगवाई जाती है, बच्चों से सफाई कराई जाती है, सफाई कर्मचारी नजारत रहते हैं, बच्चे झाड़ू लगाने आते हैं सर स्कूल की पढ़ाई करने आते हैं, ये एक समस्या है। अच्छा आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट में? ये मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों से तो लोगों का विश्वास ही खत्म हो चुका है। ऐसे नहीं, ये मैं कम से कम पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे लेकिन इस टाइम जो है उसके बाद से ट्रेंड क्या है, जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो तो भेज ही रहा है सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों को वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। कारण मजबूरी है क्योंकि उनका ट्रस्ट खत्म हो गया है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। उधार लेके भेजता है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा उनका भविष्य बने। डेफिनेटली अच्छा भविष्य बन सकता है अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकारी स्कूलों की तरफ। एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ। अगर हम इसके लिए सरकार कामयाब हो जाती है, सरकारी स्कूलों के ट्रस्ट जो है डेवलप कर सकती है, कॉन्फिडेंस लोगों का जीत सकती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में। अच्छा अंकल ये यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से कई बार जो खबरें आती हैं टीवी में कि बुजुर्गों के साथ लूटपाट की घटनाएं बहुत होती हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, इसकी ज़रूरत है इस इलाके में? ऐसा है जी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से चोर नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा चोर नहीं पकड़ेगा, चोर पकड़ेगा पुलिस। लोकल समस्या जानने के लिए पुलिस पकड़ेगी। पुलिस कहती है कि आज के टाइम में चोरी डकैती मर्डर स्नैचिंग किडनैपिंग ये कानूनन जुर्म नहीं है, कभी अंग्रेजी हुकूमत में थी। ये लेटर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैंने लेटर लिखा है, एक नहीं 7, लेकिन जितने भी क्रिमिनल जो उनके कैबिनेट में बैठे हैं सारे वो कंसील करके बैठे हैं। केस मैंने कोर्ट में डाला, कोर्ट ने जो है डिग्री जो है प्लेंटिफ के फेवर में दिया, लेकिन आज तक जो है 1987 से लेकर आज तक पुलिस ने केस रजिस्टर्ड नहीं करा। मामला लॉ एंड ऑर्डर से इम्पोर्टेंट है पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जब हायर ऑफिसर जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है चोर नहीं पकड़े जाएंगे। सही बात, लोगों में जब तक खौफ नहीं होगा इसका कि उनके ऊपर बड़ी सजा हो सकती है तब तक ये जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है और वो कोठी बनाए बैठा है, कहाँ से लेके आया? हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमें फैसिलिटी नहीं मिलती। बजट की बात करने आया हूँ, आप बताइए, मेरे पास पैसा है, आपके हाथ में पैसा है, कहाँ लगाना है? चाहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अब आप पैसे की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक मेरे साले का लड़का था, 13 लाख रुपए लगाए जी बी पंत हॉस्पिटल के अंदर, उसका जो है इलाज के लिए ले गए, हॉस्पिटल वालों ने 5 पैसे की टिकिया तक नहीं दी। मेट्रो हॉस्पिटल में 13 लाख रुपए लगाने के बाद जो है उसकी डेड बॉडी हाथ लगी। आज 4 जीव हैं, उनके स्कूल की फीस खाना खर्चा मैं दे रहा हूँ, मैं रिटायर आदमी हूँ।
अब ये देखिए, मैंने SDM साहब को मैंने लिखा था एप्लीकेशन। कैमरा पे दिखा देते हैं कि सरकारी अस्पताल में आपको दवाइयाँ नहीं मिली। हाँ, और दूसरी क्या चीज़ बता रहे थे? दूसरे, ये नो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। अच्छा, तो जो है नो इनकम सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन में 6,000 रुपये देने के बाद जो है नो इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये उनके स्टाफ की स्टेटमेंट है। मतलब रिश्वतखोरी है, वो इस कारण समस्या बढ़ती है। अच्छा माता जी, आप घर चलाती हैं, अगर कोई पैसे लेके आता है अपनी माता जी को देता है या अपनी बीवी को देता है, अगर सरकार आपके हाथ में पैसा दें, क्या काम कराना चाहते हैं आप? जी देखो, जो हमारे हाथ में होगा हम वही करेंगे जी। ऐसे पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, हम रस्ते में से कमा के ला रहे हैं, पुलिस वाले सामने खड़े होंगे, गले में से चैन छीन के लाए थे। ये मेरे साथ हुआ, 40,000 की चैन पहन रखी थी, मैं लड़की के यहाँ जा रही थी, देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस चौकी है, उन्होंने केयर नहीं करी। कह रहे माता जी ये तो रोज का ही काम है जी, बताओ जी पुलिस वाले। समाधान क्या है माता जी इसका? क्या पुलिसिंग ज्यादा होनी चाहिए, CCTV कैमरे लगने चाहिए, हर एक चौराहे पर एक कम से कम कांस्टेबल हो और वो संवेदनशील हो, अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो कार्रवाई कर। हाँ जी, कार्रवाई करनी चाहिए, पर आंखों देखा जो करते हैं ना, अनदेखा कर देते हैं, इस समस्या का हल होना चाहिए। अच्छा, DTC की बसों के बारे में कुछ नहीं आती ना? हाँ, क्या क्या हालात हैं? सर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है, DTC बसों की इतना है कि जो रूट दे रखे हैं उन रूट की प्रॉपर बसें ही नहीं है, और उन बसों का ना होने की वजह से जितने भी यहाँ ग्रामीण सेवा वाले हैं उन्होंने फटफट सेवा कहते हैं, ग्रामीण सेवा फटफट सेवा अलग अलग है, तो उन्हें मतलब इतने मनमानी तरीके से वो जितनी भी उसमें सवारियों की तरह भरते हैं, ज्यादा भरते हैं, उनके साथ हरासमेंट, पैसा ज्यादा, और अपनी मर्जी से अपना रूट बना होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सर जी कितना पैसा लेते हैं, कहाँ तक जाने का? सर जी यहाँ से कड़क डुमा तक के सीधे 15 रुपये मांगते, मनमानी करते बहुत ज्यादा, और उसमें भी खतरा बना रहता है कि एक्सीडेंट ना हो। जी रूट अपना बनाते, खतरा बना रहता है, 8-10 बहुत ज्यादा, और कोई लेट लिस्ट नहीं। दूसरा अपना लेडीज सवारी को बैठाएंगे, उसका कई समस्याएं यहाँ पर इलाके की। बिजली के ऊपर और कहना चाहता हूँ, बिजली के ऊपर, हाँ बताइए ना। बिजली के ऊपर ऐसा है कि हमारे इधर जो है 2.5 रुपए यूनिट, 4 रुपए के बाद केजरीवाल साहब के कहने पे 2.5 रुपए यूनिट कर रखा, जबकि नई दिल्ली NDMC के अंदर 1.5 रुपए यूनिट। ये 50% कम तो हो गया, अभी किया नहीं क्या बिल आने पे पता लगेगा, लेकिन NDMC के अंदर 1.5 रुपए यूनिट है। NDPL वितरण कर रही है NDMC, नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल नई दिल्ली में, और यहाँ पे और उसके बावजूद 40 करोड़ का फायदा हुआ NDMC को। समस्याएं कई हैं, स्कूल की समस्याएं बताई हैं लोगों ने, हॉस्पिटल की समस्याएं बताई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या बताई है, झिलमिल मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए रेलवे अंडर ब्रिज होना चाहिए उसकी समस्या बताई है। माता जी बता रहे थे कि चेन स्नैचिंग उनके साथ घटना हुई, अगर CCTV कैमरे लगे, बीट कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएं, तो कई समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा इसके अंदर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत है। हर एक मोहल्ला सभा की अगर हम बात करें तो 50 लाख रुपए का बजट हर एक मोहल्ला सभा को मिलेगा, हर वार्ड के अंदर 10 मोहल्ला सभाएं आएंगी, यानी कि 20 करोड़ रुपए सालाना एक विधानसभा में खर्च होगा। अब वोटिंग करा लेते हैं, जिस तरह से सरकार जनता का बजट जानने के लिए वोटिंग कराती है कि किस समस्या पर सबसे पहले पैसा खर्च करना है, तो एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, और ब्रेक के बाद हम जनता से जानेंगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी इस इलाके की क्या है, जिस पर सरकार अपना सबसे पहले पैसा लगाए। एक ब्रेक के बाद